पहले दिन 15 किलोमीटर, दूसरे दिन तकरीबन 20 किलोमीटर। मैं पहले ही बता दूं, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको वहाँ एक ट्रैवलर की तरह घूमना है तो आप थक तो बहुत ज़्यादा जाओगे, पर आपसे अच्छा एक्सपीरियंस भी वहाँ किसी और को नहीं होगा। वैसे ये ऋषिकेश है और मुझे यहाँ की स्टोरी अच्छे से बताने के लिए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो इस सब की शुरुआत तब हुई जब मेरे पास मेरे दोस्त का कॉल आया। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ तो भाई, ऋषिकेश का प्लान बनता है क्योंकि दो साल से हम कहीं गए तो फिर इस बार ज़रूर जाना है। अच्छा, तो इस बार कैसे भी करके चलना है और एक ट्रैवल व्लॉग बनाना है एकदम बेहतरीन वाला। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे यार, चलेंगे। और वीडियो का नाम सुनते ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए मैंने भी सबके साथ अपनी तैयारी चालू कर दी। ये लोकेश है, भाई को पहले भी देखा होगा। हमारा ये भाई अपने 10 जोड़ी कपड़े और 1000 तरह की फोटोज के आइडिया के साथ पूरी तरह से रेडी है। और ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिप है, इसके बारे में क्या ही बोलें। भाई ने अपनी बिजी जिंदगी से इस ट्रिप के लिए टाइम निकाला, बस आगे भी निकालता रहे टाइम। तो हम सब कामेश के घर में असेंबल हुए, वहीं से मोहन नगर के लिए निकल गए जहां से हमें बस मिलनी थी। अभी हम मोहन नगर आ चुके हैं, यहां से हमें सीधा ऋषिकेश जाना है। टिकट हमने बुक नहीं कराई है, बस पकड़नी है डायरेक्ट और डायरेक्ट निकलना है, लेकिन बस मिलनी है। अगर आप गाज़ियाबाद से ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का रास्ता पड़ेगा बस से। वैसे आप चाहें तो अच्छी वाली महंगी बस की टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए ट्रैवलर वाला, तो आप खटारा बस नहीं जाएं जैसे हम जा रहे हैं, और सच बताऊं पैसे भी बचेंगे। हम लोग कहीं बीच में एक ढाबे में रुके हैं, यहाँ अगर खाने का मन है तो खा लो और नहीं खाना तो बस उतर के थोड़ा घूम लो, कमर सीधी हो जाएगी। जैसे ही ऋषिकेश पहुँचो, चाय पियो, मैगी खाओ और ऑटो या रिक्शा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ट्रैवलर हो, पैदल ही निकल पड़ो अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम जा रहे हैं रामझुली की तरफ। किराया वैसे 20 रुपये था, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि बैठे बैठे भी क्या करते, टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम की कमी नहीं है। और हम बस स्टैंड से रामझूला 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आपको उस रास्ते का पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको आना है तो सुबह इसी वक्त आइएगा, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको दिन के वक्त नहीं दिखेगा। भयंकर भूख लगी हो और आप बहुत ज़्यादा थक भी गए हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जगह दिखे तो अपने आप को रोकना मत, जस्ट गो विद द फ्लो। रात को हम खा के नहीं निकले थे क्योंकि हमें लगा सफर में खाना जरूरी नहीं है, सफर में खाना अच्छी बात नहीं है। सुबह उतरते ही इसलिए नहीं खाया क्योंकि घूमना था और दुकानें भी नहीं खुली थी, और अभी भी भूखे हैं। तो अब जाएंगे, सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत, बहुत कुछ खाएंगे। तो खाना खाने के बाद खाना अपना जादू दिखाएगा और आपको नींद की अनुभूति कराएगा। तो ज्यादा ट्रैवलर बनने की जरूरत नहीं है, एक रूम ले लेना ताकि थोड़ा आराम कर सको। खाना खा लिया है, नींद आ रही है बहुत तेज, इसलिए अब सोने के लिए एक कमरा चाहिए। कमरा किधर है? ऊपर की तरफ है, 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना भाई। आ तो गए हैं, पता नहीं वापस जा पाएंगे। तो अब ये है हमारा होने वाला रूम,
नीचे वाला रूम हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ भाई को सामने वाला व्यू पसंद नहीं आ रहा था, जो कि यहाँ का भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलता है। तो थोड़ी सा आराम करने के बाद हम सीधा निकले बीटल्स आश्रम के लिए, जो हमारे होटल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में था। हम पैदल गए थे, आप चाहें तो गाड़ी से भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी। आश्रम के बाद सीधा पहुंचो नदी किनारे, क्योंकि आप इतना सुंदर सनसेट मिस नहीं करना चाहोगे, और अगर मिस कर दिया तो आप कहें आना ही बेकार है। रात को अच्छे से सोने के बाद और सुबह सवेरे उठने के बाद हमें जाना है लक्ष्मण झूला। फिर अगले दिन सीधा निकलो लक्ष्मण झूले के लिए, क्योंकि अगर अपने फोटोग्राफर दोस्त की जुबान बोलूं तो फोटोज बस दो ही टाइम में अच्छी आती हैं, या तो सुबह या फिर शाम। तो राम झूले और लक्ष्मण झूले में ज्यादा फर्क नहीं है, बस नाम का फर्क है और राम झूला थोड़ा सा बड़ा है। लक्ष्मण झूला घूमने के बाद थोड़ा खा लो और थोड़ा चिल कर लो, क्योंकि आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा लंबे रास्ते के लिए निकलना था। पराठे खाने के बाद रेस्ट नहीं करेंगे भाई, रेस्ट तो बाकी लोग करते हैं। हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल। चॉइस आपकी है, या तो आप टैक्सी बुक कर लो या हमारी तरह पैदल, नहीं तो मज़ा पैदल से ज़्यादा है। हमें बताया गया था कि वाटरफॉल 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन 3 कब 6 में बदल गया और 6 कब 9 में बदल गया हमें पता ही नहीं चला। और जब आप थक के चकना चूर हो चुके हैं तो किसी से भी लिफ्ट मांगने में शर्माना मत, बाकी आपकी मर्जी। भाई हमने बोला था पैदल मजा आता है, लेकिन पैदल मजा भी है और बहुत बड़ी सजा भी है। 2 किलोमीटर करते करते 6 किलोमीटर हो गया, वाटरफॉल नहीं आ रहा। पता नहीं वाटरफॉल आएगा, लिफ्ट भी ले ली भाई, अभी भी नहीं आ रहा। तो ये है हमारा वाटरफॉल। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको ऐसी जगह आना है तो दिन के बीच में कभी मत आइएगा, क्योंकि आपको लोगों की भीड़ मिलेगी और आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लड़कों ने यहाँ बहुत मजे किए हैं। तो हमने वाटरफॉल देख लिया है, अब हमें नीचे जाना है और शाम की आरती का वेट करना है, क्योंकि अगर ऋषिकेश आए और शाम की आरती नहीं देखी तो ऋषिकेश आए क्यों? वाटरफॉल के बाद सीधा निकलो शाम की आरती के लिए, जो कि राम झूले से भी आगे त्रिवेणी घाट में है। और फिर से बता रहा हूँ, थक जाओगे लेकिन पैदल जाना, वरना रास्ते में बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। We'll be right back.
लोग कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा रास्तों में मज़ा आता है, और मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता अगर मैं इस ट्रिप में नहीं आया होता। हमें यहाँ किसी भी डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा वहाँ पहुँचने में आया है, और ट्रैवलर्स होते भी ऐसे ही हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन अगर आपको अपना एक्सपीरियंस याद रखना है तो ऐसे लोगों के साथ जाना जो उसे याद रखने लायक बनाए।